अगर हम पूछें कि इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा विश्वास है आपका पहला जवाब होगा बेरोजगारी, भूख, फिर सस्ता इलाज, फिर कमर तोड़ महंगाई, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर भ्रष्टाचार, और इन सब के बाद और भी कारण हो सकते हैं। तो किसी भी सरकार की प्राथमिकता में क्या होना चाहिए? 17 अगस्त 2020 को ICMI की रिपोर्ट बताती है कि महामारी और लॉकडाउन के कारण 1,89,00,000 लोगों की नौकरी चली गई, व्हाइट कॉलर जॉब। हमने अपनी नजरों से शहरों से गांवों की ओर आजाद भारत के सबसे भयानक पलायन को देखा है। न दवाई का ठिकाना है, न पढ़ाई का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश की केंद्रीय सत्ता और 16 सूबों पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शादी। जी हां, शादी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी दिन रात शादी को राष्ट्रीय समस्या साबित करने में लगी हुई है। मसलन, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन प्यार करने के बाद शादी नहीं कर रहा है, कौन शादी कर रहा है लेकिन प्यार नहीं कर रहा है, और कौन प्यार और शादी दोनों कर रहा है लेकिन सरकार से पूछ कर नहीं कर रहा है। आप परेशान हो गए होंगे, लेकिन यही सच है। बीजेपी के नेता इन दिनों सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं शादी ब्याह को लेकर। बीजेपी शासित 4 सबसे बड़े राज्य कह रहे हैं कि हमारे लिए शादी इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि पूछो मत। इनका बूटा चले तो शादी को भारत की राष्ट्रीय समस्या से उठाकर वैश्विक समस्या घोषित कर दें। संक्रमण से लड़ती हुई दुनिया भूख और बेरोजगारी से निपटने में लगी है, तो मोदी जी के चेले चपाटी शादी से निपटने में लगे हैं। कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने भी कह दिया है कि हम तो शादी पर कानून लाएंगे जी। ऐसे कैसे कोई भी किसी से शादी कर लेगा? हमसे पूछ कर करना होगा, और हमने मना कर दिया तो ना हो पाएगी शादी, और कर ली तो कैंसिल, जेल में भी डालेंगे। यह सब कुछ हो रहा है लव जिहाद के नाम पर। तो सबसे पहले समझिए कि कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन लव जिहाद कहते किसको हैं। ये कहते हैं कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करके शादी करते हैं। अच्छा, गैर मुस्लिम लड़कियों से इनका मतलब सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध से नहीं होता। गैर मुस्लिम मतलब लड़की हिंदू। हिंदू लड़की बोलने में इनको शर्म आती है। 2009 में लव जिहाद नाम का जुमला बहुत उछला था। केरल और कर्नाटक से होते हुए यह जुमला पाकिस्तान और इंग्लैंड तक पहुंच गया था। बीजेपी तभी से शादी ब्याह को लेकर बहुत चिंतित रहती है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से भी ज्यादा। खासकर मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता तो मत पूछिए, कानून ड्राफ्ट करने में जुट गए, लेकिन बाजी मार गए मध्य प्रदेश वाले सिंह साहब। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ताल ठोक दी कि हम तो बिल तैयार करके बैठे हैं और अगले ही सत्र में पास करा के राष्ट्रपति जी को भेज देंगे। इसे नाम दिया गया है धर्म स्वतंत्र विधेयक। इसका स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा इसकी गंभीरता को समझिए। विधेयक कहता है कि अगर कोई शादी के लिए अपने साथी का धर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले डीएम साहब से इजाजत लेनी होगी, और डीएम साहब ने ना कह दिया तो ना। और अगर मां बाप ने शिकायत कर दी कि हुजूर हमारी औलाद से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो थानेदार उठाकर डाल देगा जेल में और इसकी धारा होगी गैर जमानती, और अगर यह साबित हो गया तो 5 साल के लिए अंदर। आप यह नहीं कह सकते अब कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब तो मियां बीवी राजी तो जेल में डालेगी बीजेपी।